मेरे मुंह की बात छीन ले सर, डोमिनो 400 बेस्ट रहेगा। सो गाइस मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग छोटे गुड मॉर्निंग खुन्नस में देखे। सो भाई वहाँ पे बच्चे के साथ गुड मॉर्निंग करने के बाद सीधा आरिफ के पास आ गए और इधर ही हम आज बैठे हैं। मतलब काम है पर फोन नहीं आ रहा है और हम फोन नहीं कर रहे, हम भी आलसी बना कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिक सा हमारे दोस्त ने हेलमेट लाया, बेसिक सा बोले तो ये रहा हेलमेट, नया हेलमेट है, काफ़ी अच्छा है। तो इसमें वो माउंट करने वाले हैं एक्शन कैमरा को, फोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें ये दोनों मिलाना है क्या? ओए ये दोनों तो आप ये भी ले ले तो ऐसा जुगाड़ू अच्छा रहेगा, मतलब जल्दी सुखा देता है ये। इसके अंदर मिला जो यहाँ पे ये फाड़ रहा पूरा, और हम ये जो दिख रहा है हेलमेट इसको थोड़ा सा पॉलिश पेपर से एमसील बराबर नहीं रही, ये तो डुप्लीकेट ही ले गया। ये भी डुप्लीकेट है क्या भाई? आज के जमाने में क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट देख रहे हो? यहाँ पे धूप में रख दिया प्रॉपर सूखने के लिए। पेट्रोल से क्या होता है कि पेट्रोल से वो हाथ में चिपकता नहीं है, सो पता नहीं पेट्रोल कुछ तो अच्छा काम करता है कि भाई। यहाँ पे सॉरी फॉर चेयर का आवाज आया सर, यहाँ पे हमने हेलमेट डिजाइन कर दिया, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं स्टार्टिंग, मतलब मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कम पैसे में, मतलब किस तरह सस्ता हेलमेट ले, सस्ता ऐसे कैमरा ले और इजीली ये सेटअप करे, और पहले ट्राई करके देखे कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। कोशिश लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए, मतलब सस्ते में और अच्छे में। ओके सस्ते में अच्छे में, जैसा कि आप देखेंगे ये है कैनन 200D। अब ये न्यू है, सेकेंड है, क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ये कैमरा किस काम के लिए आपको ज़्यादा यूज़ आएगा। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, एक और चीज़ है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँ। सो ये है 50mm लेंस, जो मुझे कब से तलाश था, फाइनली आज मुझे मिल गया यहाँ पे। सो ये भी न्यू है या सेकेंड हैंड, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत ही कमाल का, अगर आप सिनेमैटिक शॉट यूज़ करते हो अपने वीडियोस में, फ़ोटोज़ में आपको ज़्यादा ब्लर चाहिए, इसमें जो ब्लर आएगा ना वो एक कमाल का आएगा। ब्लर का भी पॉइंट होता है, ये 1.4 भी आ चुका है, 1.2 भी है, तो ये वो ज़्यादा महंगा आता है। सबसे कम पैसे में ये आता है 50mm, जो आपको इजीली मार्केट में 7 से 7.5 हज़ार में मिल जाएगा। और ये कितने में आया मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। अगर आपको बॉक्स मिल रहा है तो समझ जाना कि सामने वाले ने कितने अच्छे से कैमरे को रखा है। बॉक्स की कंडीशन भी दिखा यार, कितने साफ़ सुथरे कंडीशन रखा, मतलब अच्छी जगह पर इसको रखा था। सो मैं इसको यहाँ पर खोलूँगा प्रॉपर, आपको यहाँ पर एकदम पूरा लगता है फिटिंग करके दिया है। और ये देखिए पूरा नया का नया किट मिला, मतलब बंदे ने पूरा थैली के साथ है पैकअप करके दिया है। एक्चुअली बंदे ने बहुत कम यूज़ किया है, सो मैं आपको इसे दिखा दूँ इसके अंदर क्या है। ओके अच्छा, इसके अंदर मेन बॉडी है अपना, देखो बॉडी का कवर भी है। सो कैनन 200D सबसे बेस्ट है बेसिक फोटोग्राफी के लिए, और अगर आप स्टार्टिंग में व्लॉगिंग करना चाहते हो और आप एक फ़ोटो आप एक कैमरा चाहते हो व्लॉगिंग करने के लिए DSLR, तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट कैमरा कैनन 200D। अभी ये आया है, सो ये काफ़ी छोटा है और काफ़ी अच्छा है, मैं आपको इससे भी व्लॉगिंग करके दिखाऊंगा, जो मैं भी 80D से शूट कर रहा हूँ। सो ये मुझे बहुत पसंद आया, आप इसको इजीली छोटे बैग में कैरी कर सकते हो, लेकिन बड़े कैमरा को कैरी करने के लिए बड़ा बैग लगता है, तो ये मुझे पसंद आया। सो यहाँ पे बॉडी देखो, बॉडी कितना स्मूथ है, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है, कहीं से भी गिरा नहीं है। अगर कैमरा गिरा हुआ होता तो यहाँ वहाँ स्क्रैचेस होता बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये देखिए, ये भी एकदम परफेक्ट है। अगर आप इसको डिस्प्ले को खोलोगे यहाँ पर, तो डिस्प्ले पर यहाँ पर देखिए कोई स्क्रैचेस नहीं है यहाँ पर, तो ये भी एकदम माशाल्लाह परफेक्ट है। ये पूरा 60 डिग्री घूमता है यहाँ पर। और एक सबसे पहले यहाँ का थ्रेड देखना, अगर यहाँ का थ्रेड ख़राब होगा तो आपको बाद में ट्राइपॉड में माउंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये थ्रेड भी एकदम सही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैटरी का आता है, यहाँ पे कार्ड का आता है। अब बात करते हैं भाई, सेकंड हैंड लिया है तो थोड़ा तो कमी चीज़ तो मिलेगी इसमें, मतलब सेकंड हैंड लिया है तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। यहाँ पे हमको देखो एक बैटरी मिला है जो कैमरे के साथ में है। ओके बैटरी चार्जर देख रहे, सबका कवर है यहाँ पे, मतलब बंदे ने बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया। मेरे से मांगो मेरे कैमरे के सब थैली बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा, जबकि सिर्फ 8 महीने ही हुआ है। ओके और इसको 1 साल हो गया 2Z। यहाँ पर बैटरी का कवर है, मतलब कितने अच्छे से बंदे ने संभाल के रखा था। यहाँ पर ये रहा देखो, इसका भी कवर है, मेरा तो गायब भी हो चुका है, ये पता नहीं कहाँ पर है। और ये रहा चार्जर, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर मिला है हमें 80-55 लेंस। सो ये रहा लेंस, तो इस लेंस के बारे में क्या बताना आपको, बेसिक फोटोग्राफी के लिए ये लेंस कैमरे के साथ बेसिक किट में मिलता है 80-55। ईजिली इससे स्टार्ट करते सब लोग, मैंने भी इससे स्टार्ट किया था, बाद में लोग जाके फिर 70-200, 70-105 या 24-107 बता दिया मैंने, या फिर 30-60-35 वाइड एंगल लेंस जो कैनन का है,
सब फिर प्रोफेशनल लेंस आते वो लेती है क्यों गिर गया यार, तो इस पर टिके रहे, ट्रेन से ले जाए उसको अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं आपको इस कैनन 200 से व्लॉगिंग करके दिखाऊंगा कि इसमें कैसा वीडियो आएगा, और ये सिम जो अपना 10-18 लेंस है, ये लेंस मैं इसमें लगाऊंगा कि इसमें कहीं अलग तो नहीं है। अगर आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा टेंशन आ रहा है कि नहीं भाई इसके अंदर वो व्यू नहीं आएगा जो बाकी कैमरे में आते हैं, तो मैंने ये बैटरी लगाया, ये लगाया, और अभी जो ये देख रहे हो ये लेंस अभी इसमें आएगा। ये देखिए मेरे हाथ में आ चुका है कैनन 200D। सो अभी गुरिल्ला ट्राइपॉड हैंड में जिसको हाथ में ही पकड़ा हूँ, सो ऐसा व्यू आ रहा है, और ये मैंने जस्ट जूम किया तो इतना जूम हो रहा है, तो भाई लाइट वाइट सब एक वन है, फ्रेम भी बहुत सही है। अब ये रहा मेरे हाथ में कैनन 80D। ओके सो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब ये काफ़ी बड़ा पीस आता है, तो इसको हम कैरी करने के लिए थोड़ा बहुत केयर करना पड़ता है, लेकिन ये जो कैमरा है छोटा सा, इसको आराम से कैरी कर सकते हैं छोटे बैग में, सो इजीली उतना मगज मारी नहीं होगा, और ये फाइनली गिर गया यहाँ पे। सो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं व्लॉगिंग या फिर बेसिक फोटोग्राफी या घर के लिए पर्सनल लेना चाहते हैं, तो बेस्ट कैमरा जो आपके बजट में आ जाएगा, इसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, 45 से लेके 47 के अंदर आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस में। मार्केट में क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं, मतलब जैसे कि बिल वाला, विदाउट बिल वाला, ग्रे वाला, तो आप मार्केट जाएंगे तो ही मालूम पड़ेगा। ओके उधर आपको इससे सस्ते में मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं कि ये कितने में आया हमें, ये कैमरा जो आया हमें 28,000 में आया है, एक साल यूज़ किया हुआ है, जो भी बहुत कम यूज़ किया है, और प्रॉपर गेजेस, मतलब प्रॉपर चीज़ हमें सब कुछ A to Z थैली के कवर के साथ मिला है, यानी कि बंदे ने बहुत कम यूज़ किया और क्या इसको अच्छे से कैरी भी किया है। अब बात करते हैं सर, जहाँ पे हमने एक 50mm लेंस भी लिया है, अब 28,000 के अंदर ये 50mm लेंस भी आ चुका है, जो कि ये मैंने पहले ही बोल दिया था भाई ये मुझको चाहिए, तो ये मैंने ले लिया है। सो फाइनली आई गॉट इट द 50mm लेंस। तो अभी ये पता नहीं कितना आया उसमें, किस हिसाब से दिया। ये लेंस आता है मार्केट में 6-7,000 में, और ये लेंस आता है मार्केट में 8-9,000 में, 50mm 80-55। तो ये दो लेंस भी मिले, तो जिसमें से ये मैंने ले लिया, ये संदीप ने ले लिया। सो ये ऐसा कैमरा है। सो अगर आपका बजट कम है, हाँ दिवाली गया लेकिन पटाखे यहाँ पे ख़त्म हो रहे। सो अगर आपका बजट कम है और आप अच्छा कैमरा लेना चाहते हैं, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, वेट करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दो कि हाँ वहाँ आपको कैमरा चाहिए या आपको गाड़ी चाहिए, तो कैसे ऐसे मौके आते रहते हैं, उस टाइम पर आप ले सकते हो। अब चलते हैं बाहर घूमने के लिए। अब बात करते हैं 50mm की, भाई ये भी फुल पैकिंग में मिला है, और मैं 50mm को 2 साल का वारंटी भी है, जिसमें 1 साल यूज़ हो चुका है, 1 साल जो हमारे नाम पे रहेगा। सो ये कार्ड मैं इसमें रखता हूँ, और ये देखिए ये रहा हमारे हाथ में यहाँ पे 50mm। सो इसका भी थैली यहाँ पे अवेलेबल है। सो देखिए 50mm, अब हम भी सिनेमेटिक वीडियो अच्छे अच्छे निकालेंगे। इससे ये है कि बार बार लेंस चेंज करना पड़ता है, बहुत मकसमारी होता है, बट लेकिन यूज़फुल है ये। सो ये वीडियो जो देख रहे हो ये है 50mm से, तो देखो भाई इतना ब्लर, मतलब यहाँ पे हाथ करूँगा तो यहाँ पे ब्लर, और यहाँ पे हाथ करूँगा तो यहाँ पे ब्लर, तो ये कमाल है 50mm का, जो फोटोग्राफी के लिए और सिनेमेटिक वीडियो के लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली और अच्छा अपने आपको ग्रोथ करना है, तो भाई 85mm बेस्ट लेंस है, वो प्रोफेशनल लेवल में आता है, उसे भी 25 या 35,000 का वो लेंस आता है, और ये कहाँ 7,000 का लेंस। तो दिस इज़ अ बेसिक लेंस और वो हाई प्रोफेशनल लेंस, बट बेसिक है, कमाल का है, आग लगा देता है, बट सामने वालों को यूज़ करना आना चाहिए, जो हमें आ चुका है, देखते हैं हम इसको कितना यूज़ करते हैं। बस गए, इससे ज़्यादा सिनेमेटिक दिखाऊंगा तो भाई फिर आगे दिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो भाई ये है 50mm का कमाल कि आपको जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा ब्लर मिलेगा, यहाँ पे ब्लर मिलेगा आपको, यहाँ पे ब्लर मिलेगा और फोकस, पूरा फोकस दिखेगा। सो 50mm आ चुका है अपने पास, जल्दी ही अपने पास वीडियो कैमरा किट आने वाला है, जल्दी कौन सा किट आएगा मैं आपको बताऊँगा। सोनी NX200 भी सोचा है, सोनी NX5R भी सोचा है, दोनों प्रोफेशनल कैमरे हैं। इस वीडियो का सिर्फ इतना टारगेट था कि आप देख सके कि भाई मतलब कितने कम पैसे में, कितने अच्छे कंडीशन में हमने यहाँ पे कैमरा ले लिया। ओके सो आप भी बस वेट करें, थोड़ा सा सब्र रखें, हम भी देखें कितने 2 साल से सब्र रखें वीडियो कैमरा के लिए, फाइनली अब जाके होने वाला है, जिसमें मेरा अभी जस्ट पिछले हफ्ते हो जाता, लेकिन मेरा लोन ही कैंसिल हो गया, सो हो नहीं पाया, ऑफिस अब भागम दौड़ी किया। देन 50mm से व्लॉगिंग करना तो मुश्किल है, लेकिन सिनेमेटिक शॉट बेस्ट है,
तो 28,000 में 200D एक साल पुराना अच्छे कंडीशन में बहुत कम यूज़ किया हुआ और क्या चाहिए। तो चलो अब जाते हैं जिम, एक दिन गए नहीं, बहुत मिस किया हमने जिम को। यहाँ पे थोड़े से कम हो गए, थोड़े से कम हो गए, और क्या दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं क्या, मेरे थोड़े से कम हो गए। यहाँ पे तो बात हो गई कैमरे की, कैमरा तो आ गया मेरे पास, लेंस आ गया, लेकिन वीडियो कैमरा के लिए मैं जल्दी फ्राइडे को मुंबई जाने वाला हूँ, वीडियो कैमरा भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, आज मुझे जिम को एक महीना चार या पाँच दिन हो गया, आज मुझे कोच ने कह दिया कि मैं बॉडी नहीं बना सकता, मतलब मुझे मिल चुके यहाँ पे चैलेंज, अब कुछ भी चार महीने में तीन महीने में करके दिखाना है। ओके, अभी थोड़ा मेरा डाइट का प्रॉब्लम, मतलब प्रॉपर मुझे डाइट नहीं मिल पा रहा है, व्लॉगिंग की वजह से रात भर एडिटिंग करता हूँ, मतलब जो नींद रात को मिलती है वो आपको दोपहर में नहीं मिल सकती, तो मैं कैसा दोपहर तक सो के काम चला लेता हूँ, लेकिन वो होता नहीं है। सो मुझे थोड़ा टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा कि व्लॉग मैं एडिट करूँ देन सुबह अपलोड करूँ, ओके यार ऐसा कुछ प्लान है। सो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया खुद ही अंदर से कि अब करके दिखाना। और आज यहाँ पर दावत मिली है हमारे बीमा भाई, हमारे भाई है जो दावत दे रहे हैं, आज बकरे को काटने वाला हूँ एकदम अच्छे। मेरा 60 रुपया दिया था उसको, अब तक दिया नहीं है, 60 के बदले 600 रुपया वसूल करूँगा मैं उससे। आज मैंने जिम में जो शोल्डर किया है तो शोल्डर थोड़ा सा बाहर आया है, लेकिन यहाँ पे वापस अंदर चले गया, पूरा अंधेरा दिख रहा है। और मैंने भाई से मारा था, वापस चले गया, मैंने कुछ मारा ही नहीं था। अरे एक एक लेग पीस निकाल दो ना उसमें से भाई। बस अब यही बच चुका है, मतलब कि भाई कांदे का रेट बढ़ा है ना, तब से कहीं भी कांदा मिलता है नहीं। कसम से मैंने एक दिन ना 500 रुपये का एक कांदा खरीद के लेके गया था और बिरयानी के साथ खाया था, सब जगह ना यही मिल रहा है और इससे ही काम चल रहा है। सो लगता है कि नासिक जाना पड़ेगा और 2-3 ट्रक भर के लाना पड़ेगा। एक चीज़ बता दो, कभी मैं आपसे मिलूँ दावत पे बैठे हम लोग, एक चीज़ ज़रूर ऑर्डर करना, हमें बहुत पसंद है वो है ये, इसे कहते हैं मसाला पापड़। ए मैं बता गया सेम मेरे मुंह की बात छीन ली सर, डोमिनो 400 बेस्ट रहेगा। पहले जो आपने देखा वो था नॉन वेज जो हम खाने वाले, और वो जो देखा व्हाइट व्हाइट चीज वाला वो था वेज, वो कोई और खाने वाला है। तो यहाँ पे आज जो मतलब जो दावत मिली उसे लूट लेने वाला हूँ भाई, हमारे लिए गार्लिक नान लेके आ जाते हैं यार, मेरे लिए गार्लिक नान फटक से एकदम फटक से, गार्लिक नान बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे घर पे आ गए, खाना पीना हो गया, बहुत टाइम बाद सभी दोस्त एक साथ बैठे बोले, एक्चुअली वो लोग तो हमेशा बैठते रहते हैं खाने पीने के, लेकिन मेरे पास ही टाइम नहीं रहता, ऐसे ही व्लॉगिंग के चक्कर में यहाँ वहाँ जल्दी भागाता हूँ घर पे या जल्दी कहीं रहता हूँ शूट पे, तो टाइम नहीं प्रॉपर दे पाता। लेकिन आज उसने मुझे रोका ज़बरदस्ती बीमा ने, और हम साथ में बैठे खाए पिए, बहुत सारी बातें किए, बहुत सारी पुरानी बातें थी जब हम कैंपिंग पे जाते थे, बहुत सारे फन होते थे, बहुत मज़ा आता है ग्रुप में जब मिल के बैठते हैं। तो सो ये व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो थोड़ा सा मज़ा था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था कि कैमरा लेते वक्त मतलब पेशेंस रखना है, और सेकंड हैंड कैमरा अच्छे कंडीशन में कैसे आप ले सकते हैं। सो इस व्लॉग में यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। और जल्दी हम हीरो का मतलब हीरो एक्शन कैमरा का माइक अडाप्टर भी लेने वाले हैं, बात चल रही है, ले लेंगे इस पर, और मोटो व्लॉग 22 के साथ करेगा मज़ेदार।